महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और छेड़छाड़ को रोकने के लिए एंटी रोमिया का गठन किया था और थाना पुलिस को छात्राओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए थे। लेकिन बागपत में मंचलों ने अभी भी छात्राओं का स्कूल कॉलेज में जाना दुर्भर कर दिया है और थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते दो छात्राएं आज अपने परिजनों के साथ पुलिस ऑफिस पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल दो बहनों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मुकदमा दर्ज मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि मामला रंबाला थाना इलाके का है, जहां क्षेत्र के ही बूढ़पुर गांव में रहने वाली कक्षा 11 और 10 की दो छात्राएं जो कि बहनें हैं अपने परिजनों के साथ पुलिस ऑफिस पहुंची और उन्होंने स्कूल जाने में मंचलों से परेशानी बताते हुए थाना पुलिस पर भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। दो बच्चों को मेडिकल के लिए लाया गया है, क्या मामला था, कहाँ से? अभी जैसे मेरे को जानकारी हुई है, इसमें दो बच्चियाँ स्कूल की हैं और बूढ़पुर एरिया की हैं, रवाना थाना से आई हुई है, जो पुलिस वाले लेके आए हैं। इनका कोई पुरानी बता रहे हैं छेड़खानी का मामला है, जिसके बारे में मेडिकल कराया जा रहा है। जो रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही आपको अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू सर। एक बूढ़पुर गाँव का मामला है, दो लड़कियों ने छेड़खानी का आरोप लगाया, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? बूढ़पुर गाँव में रवाना थाना के अंतर्गत होता है और उसके बाद जो खाने जा रही है उस लड़कों के साथ छेड़छाड़ किया, उस गाँव के लड़की नाम धर्मा पंथी के लड़कों ने चौसठ से अड़तीस का अभियान करा दिया गया, उनका मेडिकल भी कराया गया और लड़कों की तरफ आगे प्रयास से। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार है जी। राजकुमार जी, क्या मामला है? मामला है जी, लड़की का मामला जी, लड़की स्कूल वाले अपन जी रात के है जी, आपके जब जब छुट्टी होगा आवे जी, लड़के परेशान करें जी, पांच लड़के हैं जी। अच्छा, स्कूल में ही पढ़ने वाले हैं लड़के? हाँ जी, स्कूल में पढ़ने वाले हैं जी, अब बाहर के लिए है जी, जो दूसरे नाम पढ़ रही है जी। अच्छा, तो क्या करते हैं, मतलब आते जाते छेड़खानी? छेड़खानी करें जी, लत्ते फाड़ दी जी, लत्ते फाड़ दी, बाद है खेसके खोपड़ के देखना, चार पाँच घटना हुई है जी, एक महीने से घटना हो रही है। शिकायत करी आपने स्कूल में? स्कूल में करी, ऊपर साहब में करी, उसने नाम बताया, ये नाम है, लड़के से पूछा, फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, आती देखो जी स्कूल से, स्कूल में से आई लड़की, फिर भी यही घटना करी हुई है, हम परेशान हो गए, लिखा छाने में। अच्छा, फिलहाल पुलिस को शिकायत किया आपने? शिकायत हो रही थी। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है? उसके नाम दर्ज है जी। ठीक। अच्छा, ये बताइए छेड़खानी का क्या मामला है, पूरा क्या घटना हुई आपके साथ? सर, जब हम स्कूल से घर आ रहे थे तो स्कूल के रास्ते रास्ता है जो, तो वो 3-4 किलोमीटर पड़ता है स्कूल से, तो जब हम आ रहे थे स्कूल से तो हम चार लड़कियां थी, एक मैं और एक मेरी बहन और दो हमारे गांव की लड़कियां थी, और हम जब स्कूल से आ रहे थे तो 5 लड़कों ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमारे सामने कभी बाइक, कभी तो पहले हमारे आगे पीछे बाइक करते रहे और फिर एकदम हमारे सामने आके खड़े हो गए और बाइक से उतर कर, और हम लड़कियों से पूछने लगे कि तुम में से रूमा कौन सी है, और फिर कहने लगे कि हम क्या लगे उसे कि रूमा से तुम्हें क्या मतलब है, और फिर हमारा हाथ पकड़ के, हम दोनों बहनों का रूमा को और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करी उन्होंने और एक की तरफ खींचने की कोशिश करी, और फिर जब हमने शोर मचाया तो वह वहाँ से भाग गए। और ये सर 16 तारीख की घटना है और 31 तारीख को जब फिर से हम, मतलब एक दो बार हमारे पापा बीच में जब हम स्कूल गए तो हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ने के लिए गए और उस दिन वे हमारे साथ जा नहीं सके, उन्हें कुछ काम अटक गया, और तो 31 तारीख को जब हमारे साथ कोई नहीं था, उन्होंने फिर से हमें अकेला देख के फिर से हमारे साथ ये हरकत की और हमारा हाथ पकड़ा दोनों बहनों का, एक में खींचने की फिर से कोशिश की। आपके स्कूल में पढ़ते हैं? जी सर, दो जो गाँव के लड़के हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं और एक रमा लड़का है। तो स्कूल में आपने शिकायत नहीं कभी उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई? सर, स्कूल में शिकायत करी थी, प्रिंसिपल ने उसे मारा और डांटा, वो फिर से फिर, मतलब जिस दिन डांटा उसे और उसका मारा लड़के का, तो वो फिर से उसी दिन छुट्टी में फिर आया स्कूल, वो रास्ते में परेशान करने के लिए। ठीक। छात्राओं का आरोप है कि गांव बूढ़पुर से भी रोजाना पड़ोसी के गाँव करीब 4 किलोमीटर दूर रंबाला में स्थित गांधी निकेतन इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती है, लेकिन जिसके चलते रास्ते में जब जंगलों के रास्ते से होकर जाती है
तो दर्जनों मनचले आए दिन उनके साथ छेड़छाड़ भी करते हैं और कई बार तो आरोपी युवक तमंचे के बल पर उनके साथ जबरदस्ती भी करते हैं, जिसके चलते उनका पढ़ना भी दुश्वार हो गया। इसलिए अब उन्होंने स्कूल तक जाना छोड़ दिया। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नामजद रिपोर्ट भी थाना रंबाला में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं पुलिस के अधिकारी मामले की तलाश में जुटे होने की बात कह रहे हैं। बागपत से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मैं अंजू चौधरी।